हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या दानी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, फिर आपको समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा आपको कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 कहा जाता है, संविधान का हृदय किसको कहा जाता है, तो ये भी आर्टिकल 32 कहा जाता है। एक क्वेश्चन आएगा कि संविधान का रीढ़ किसको कहा जाता है, संविधान का रीढ़, बैकबोन, ठीक है, बैकबोन रीढ़, ठीक है, संविधान का जो रीढ़ कहा जाता है ये आर्टिकल 19 को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि संविधान की आत्मा और रीढ़ में क्या अंतर है या हृदय और रीढ़ में क्या अंतर है। हृदय और आत्मा 32 कहा जाता है और रीढ़ जो है वो आर्टिकल 19 को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपका देखिए प्रावधान कितना अच्छा है कि आर्टिकल 32 के तहत आप रीढ़ में जाके कंप्लेन करेंगे कि सपोज कि आपके खिलाफ मतलब को वारंट में मान लीजिए आपने कंप्लेन किया, ठीक है, या किसी में भी कंप्लेन किया जो आपके 5 मिले हैं, और आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा उसका। मैंने पहले तो आपने 32 के तहत कंप्लेन किया और 13 के तहत उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा में अगर आप सही पाए गए तो जो भी सरकारी संस्था है, चाहे वो थाना हो या जो भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इंटर रिलेटेड कितना अच्छा है। आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा गया है, 32 को आत्मा कहा गया है, 32 को हृदय भी कहा गया है, ठीक है। और आपके पास जो मतलब संविधान को जो आपके संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए जितने आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट, आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू, एक आता है आर्टिकल 359, ठीक है। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो ही आपका संवैधानिक अधिकार को सस्पेंड किया जाएगा, नहीं तो आपका संवैधानिक अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है, कोई नहीं छीन सकता है। अगर देश में कोई इमरजेंसी लगी है, मान लीजिए युद्ध हो गया या कुछ वैसा बात हो गया, तो आपको संवैधानिक अधिकार को राष्ट्रपति जो है सस्पेंड कर देंगे कुछ समय के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में बताया था। और 13 के तहत समीक्षा की जाएगी, 226 के तहत हाई कोर्ट है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है। तो ये आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया है। आप मुझे लगता है कि आप इसको मेरे वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में छूटने वाला नहीं है। हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी आपको ये काम है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए विद्या दानी टीवी।